राधा कृष्ण की कहानी में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि श्री कृष्ण राधा को प्रेम का मतलब समझाते हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण से सवाल करती हैं और कहती हैं, तुम एक बात बताओ, ये कैसे मान सकते हो तुम कि सामंतक मणि से ज़्यादा शक्ति राधा में है। कृष्ण कहते हैं कि ये बात राधा जानने की नहीं समझने की है। राधा यहाँ पर जिद पर अड़ जाती हैं और कहती हैं कि नहीं, मुझे भी बताओ कि ये बात तुम्हें कैसे पता। तो श्री कृष्ण राधा को समझाते हैं और कहते हैं कि मैं ये नहीं समझा सकता तुम्हें, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा ही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मणि की रक्षा करने के लिए बलराम के तीनों पुत्र सज्ज होते हैं और वहां पर सांब लक्ष्मणा आते हैं और अपने शस्त्र के प्रयोग करते हैं। और यहां पर लक्ष्मणा से सांब कहता है कि जाओ, तुम बलराम के हल को भ्रमित करने की कोशिश करो ताकि वो तुम्हारे ओर बढ़े और उसी बीच में मणि को अपनी असुरी शक्तियों से अदृश्य होकर सामंतक मणि को चुरा लूँगा और उसकी जगह हम अपनी बनाई हुई नकली मणि रख देंगे। सांब ऐसा ही करता है और बड़ी ही सफाई से वो असली मणि अपने हाथ में लेकर नकली मणि उसकी जगह रख देता है। और जैसे ही सांब मणि चुराता है, उसमें से एक लाल किरण निकलती है जो पूरी तरफ हर जगह बिखर जाती है और श्री कृष्ण और राधा को भी दिखाई देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राधा और श्री कृष्ण आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर कृष्ण राधा को समझाते हैं कि यहां पर जो हुआ है वो असुरी शक्तियों से हुआ है, पर राधा कभी भूल कर भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकती। मणि में किसी और की शक्तियां हैं और राधा में स्वयं उसी की शक्तियां हैं, इसीलिए राधा ज़्यादा शक्तिशाली हुई। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सांब उस मणि को असुरी गुफा में रखने की बात करता है लक्ष्मणा से और बड़े ही ध्यान से वो उस गुफा में मणि को छुपा देता है। सांब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और सोचता है कि अब मैं द्वारका पर राज करूँगा क्योंकि सारी शक्तियाँ मेरे हाथ में हैं। सबको यही लगता है कि द्वारका में अग्नि है, धन है, धान है और एक एक करके सांब वो सारी चीज़ें छीन लेता है और वहाँ से यानी कि द्वारका से वो सारी चीज़ें एक एक करके गायब होने लगती है। जैसे कि अग्नि जलना बंद हो जाती है, वहाँ पर बर्फ़ पड़ने लगती है, चक्रवात आते हैं और द्वारका में एक बार फिर से प्रलय आने की स्थिति हो जाती है। प्रजा एक दूसरे को लड़ने मारने पर उतर आती है, सामान एक दूसरे का सब चुराने लगते हैं और द्वारका की शांति भंग हो जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सूर्यदेव प्रभावित और प्रकट भी होंगे और यहाँ पर सांब सोचता है कि मैं सारी शक्तियाँ जिस तरह से सूर्यदेव मणि में बढ़ाएंगे, उस मणि की सारी शक्तियाँ मैं अपने आप में अर्जित कर लूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि श्री कृष्ण आपस में ही बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। द्वारकावासी कहते हैं कि ये क्या हो रहा है श्री कृष्ण, अग्नि जल नहीं रही है, बिजलियाँ गिर रही हैं, सूर्यदेव निकल नहीं रहे, आपने तो कहा था कि राधा के होते हुए द्वारका में भी कुछ ऐसा घटित नहीं हो सकता, तो आखिर अब ये क्या हो रहा है। दाऊ भी श्री कृष्ण के पास आते हैं और पूछते हैं कि कान्हा, मणि के होते हुए ये सब कुछ कैसे हो सकता है? जब तक मणि है तब तक तो द्वारका एकदम सुरक्षित है, तो फिर ऐसा क्यों है? दूसरी तरफ पूजा भी चल रही है तो सूर्यदेव अपनी ऊर्जा अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखा रहे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि श्री कृष्ण से आकर पूछते हैं बलराम दाऊ कि क्या हम मणि को देख सकते हैं और अपनी ही आज्ञा से बलराम दाऊ अपने पुत्रों से पूछते हैं कि मणि ठीक तो है, सब कुछ ठीक है या नहीं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि राधा रूठ जाती हैं और वहाँ पर कह रही होती हैं कि बस तुम जब देखो मुझे टाल देते हो और सही बात नहीं बताते। और दूसरी तरफ राधा मंदिर से लौट रही होती हैं रेवती के साथ, जहाँ पर राधा को देखकर द्वारकावासी बात बनाते हैं और कहते हैं कि जब तक ये राधा यहाँ है द्वारका का विनाश ही होगा। लगता है सांब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जब तक राधा यहाँ पर है विनाश और नाश होता ही रहेगा। रेवती यहाँ पर राधा को समझाती हैं कि तुम इन सब की बातें सुनकर बिल्कुल भी उदास मत हो, इन लोगों का काम तो कहना है। राधा कहती हैं कि मैं कैसे ध्यान ना दूँ, कृष्ण ने तो कहा था कि जब तक मैं यहाँ हूँ द्वारका को कुछ नहीं होगा, तो फिर ये सब क्या और क्यों हो रहा है। बलराम कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि कान्हा हमें चल कर देखना चाहिए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं पता दाऊ सच में ये क्या हो रहा है, चलो चल कर हम खुद मणि को देखते हैं।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आपस में सब बात कर रहे होते हैं, सभा लगती है जहां पर सांप को एक बार सही साबित किया जाता है और हर कोई यही बात कर रहा होता है कि राधा के यहां होने से लगता है मौसम गड़बड़ा रहा है, प्रलय आने वाली है। यहां पर श्री कृष्ण और राधा को एक बार फिर से भला बुरा कहा जाता है। सांप भरी महफिल में ये कहता है श्री कृष्ण से कि मुझे तो लगता है हमारे द्वारिकाधीश ये सब कर रहे हैं ताकि राधा यहाँ पर रुक जाए। राधा को यहाँ रोकने के लिए ये खुद ऐसा कर रहे हैं। कृष्ण राधा से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ कोई समझे ना कोई ना समझे, ये तुम्हें कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। तुम्हारे समझ से यहाँ कोई लाभ नहीं होगा, सबके विवेक छिन चुके हैं राधा, इसीलिए तुम कतई परेशान मत हो। सांप यहाँ पर कृष्ण से सवाल पूछता है और कहता है कि अब आप क्या करना चाहेंगे। बलराम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि सांप तुमने अपनी सारी सीमाएं लांघ ली हैं, इससे उत्तम होगा कि तुम मौन हो जाओ, अन्यथा तुम्हें मेरे क्रोध के आगे तुम्हें अपना बल कम लगेगा। कृष्ण कहते हैं इशारे से दाऊ से कि इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है, और कृष्ण कहते हैं बलराम दाऊ के साथ साथ भरी सभा से कि अब इन सब का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है सूर्यदेव। श्री कृष्ण सूर्यदेव के पास पहुंच जाते हैं उनसे मिलने के लिए और कहते हैं कि क्या बात है, आपको आहूति मिल रही है उसके पश्चात भी आप इतने दुर्बल क्यों लग रहे हैं। सूर्यदेव कहते हैं कि ये तो नारायण को ही स्वयं ज्ञात होगा। कृष्ण समझ जाते हैं और वो वापस द्वारका लौट जाते हैं। कृष्ण जैसे ही मणि की ओर जाते हैं, सांप को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, वो भ्रमित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। वो सोचता है कि पिताश्री अब आप क्या कर रहे हैं, और कहीं पिताश्री हाथ में मणि लेंगे तो उन्हें सच ना पता चल जाए। कृष्ण समझ जाते हैं मणि को देखते ही कि यह नकली है, और श्री कृष्ण बलराम दाऊ के हल से मणि को तोड़ते हैं और मणि टुकड़ों में क्षीण क्षीण हो जाती है। सांप ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कृष्ण कहते हैं कि अगर ये मणि असली होती तो एक प्रहार करने से ये कभी भी टूटती नहीं। कृष्ण यहाँ पर भरी सभा में सबको एक हफ्ते का समय देते हैं और कहते हैं कि मैं एक हफ्ते का समय देता हूँ, जिसने भी ये मणि चुराई है वो उसे उसके उसी स्थान पर रख दे, वरना यहाँ पर इतना बड़ा अनर्थ होगा जिसके बारे में आप सब ने कभी सोचा भी नहीं होगा। यही हो जाएगा आज रात शो का दी एंड। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि क्या सांप श्री कृष्ण के दी हुई एक हफ्ते की इस वार्निंग को मानता है, क्या असली मणि वो रख देगा वापस जिस तरह से उसने चुराई थी। आप सबको क्या लगता है, अपनी अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।